का जीजी कैसन बात करती हो, बेटी को पढ़ाई के लाने बड़का शहर भेजोगी? अरे वहाँ जाके नौकरी लगेगा भी नहीं और पढ़ाई का खर्चा होगा सो अलग। हम तो कहते हैं बियाह करा दे करा, बिन बाप की बेटी को कितना दिन तक घर में रखोगी? ऊपर से तुम्हारा तबीयत भी तो ठीक नहीं रहता है ना। नहीं, हम फैसला कर लिए हैं, हमारी बेटी घर का चूल्हा चौका करके हमारे जैसा कोनो आम जिंदगी नहीं जिएगी। पढ़ाई में इतनी अच्छी है तो उसका अपना पैर पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। हमारा तो आखिरी इच्छा भी यही है कि हमारी बेटी का समाज में कोनो पहचान बन जाए। माँ, हम तुमको छोड़कर दूसरा शहर पढ़ने कैसे जा सकते हैं? यहाँ तुम्हारा देखभाल कौन करेगा? अरे पगली, हमारा चिंता काहे करती है, यहाँ पर सब कोई है तो बस बोलने के लिए। चाची तो हमेशा पैसा खर्च होने का ताना ही देते रहती है, ऐसे में अगर हम भी चले जाएंगे तो सब तुमको ही परेशान करेगा। अरे वो सब हम देख लेंगे, तुम बस मन लगा कर अपना पढ़ाई करना, और जब हमारी बेटी अफसर बन जाएगी ना तो सबका मुँह अपने आप बंद हो जाएगा। ये बेटा, हमारा सपना पूरा तो करेगी ना? हाँ माँ, जरूर पूरा करेंगे। जीना 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 उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। हेलो माँ, वो रिजल्ट निकल गया हमरा, पर वो नहीं पाया इस बार। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, ये तो अभी शुरुआत है ना। माँ तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? अरे नहीं नहीं, ये तो बस ऐसे ही। पर तुम अपना ख्याल काहे नहीं रखती है, हमको बड़ी चिंता होता है यहाँ। तुम हमारा चिंता मत करो, बस अपना पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, हम एकदम ठीक हैं। नहीं निकाल पाए, बस कुछ नंबर से रह गया। पर तुम चिंता मत करो माँ, अगला साल जरूर पास कर जाएंगे। तुम बस जल्दी से अपना तबीयत ठीक कर लो, नहीं तो हमारा नौकरी लगने के बाद पूरा गांव में लड्डू कौन बांटने जाएगी? मनीषा, वो तुम्हारे गांव से कॉल आया था, बोल रहे थे तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, तुम्हें फौरन बुलाया है। कॉन्ग्रेट्स मनीषा, तेरे सिलेक्शन के लिए आखिरकार तू अफसर बन ही गई, तेरी मम्मी तो बहुत खुश होंगी ना। ये बेटा बेटा, हमारा सपना पूरा तो करेगी ना? मैं तो अधूरा रहा मायरे मायरे, मुझसे ही रूठी मेरी परछाई। आज मनीषा ने अपने माँ के सपने को तो पूरा कर दिया, पर इस खुशी में उस पर गर्व करने के लिए उसकी माँ की कमी हमेशा खलेगी। आजकल के इस माहौल में तो ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि हम सब की माँओं को लंबी उम्र दे और उन्हें हर तरह से ठीक रखे। तो अब ज्यादा सोचो मत और जल्दी से जाकर अपनी माँ को हैप्पी मदर्स डे विश करो। बुझे